भारत माता के जिस सपूत ने मां भारती की रक्षा करते हुए कारगिल युद्ध में अपने प्राण गवा दिए, आज उसकी बेटी दर दर भटक रही है। बुलंदशहर निवासी शहीद देव नारायण यादव की बेटी न्याय की आस में एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित बेटी का कहना है कि जब उसके पिता शहीद हुए थे तब उसकी उम्र महज 6 माह थी। सरकार ने तो उसके पिता की शहादत का पूरा सम्मान करते हुए सभी सरकारी सहायता दी, लेकिन बेटी की मां की नीयत बदलने में देर नहीं लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेट्रोल पंप, जमीन, फ्लैट और पैसा दिया, लेकिन उसकी मां अपने भाई के साथ सबका बंदर बांट करके उसे अकेला छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। पीड़िता का कहना है कि उसकी मां ने पिता के निधन के बाद ही उसके शहीद पिता के भाई से शादी कर ली। कुछ समय के बाद उसकी मां तलाक देकर उसके मामा के साले के साथ चली गई, जो अब पीड़ित पर गंदी नीयत रखता है। पीड़िता का कहना है कि अब उसकी मां कहां है उसे नहीं पता। पीड़ित बेटी का ये भी कहना है कि अब उसे ना तो परिवार वाले रखने को तैयार हैं और ना ही ननिहाल वाले। अब पीड़ित अकेली बेसहारा रहने को मजबूर है। पीड़ित बेटी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मां के साथ रहने की इच्छा जताई है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ घटना ये हुई है, मेरे पापा फौज में थे, शहीद हो गए थे 2000 में, 26 दिसंबर 2000 में, जब मैं 6 महीने की थी। उसके बाद मम्मी की शादी चाचा से हो गई, मम्मी चाचा से तलाक लेके आ गई, चाचा से भी एक बेटी हुई। फिर सारा पैसा प्रॉपर्टी लेके नानी के यहाँ पे आ गई। नानी के यहाँ पर लेके आने के बाद मुझे मामा के पास छोड़ दिया, खुद सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में रहने लगी। मामा के साले के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और फिर मुझे गांव में पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने अपने मामा और नानी को बताया तो उन्होंने मुझे मारा पीटा, रात को घर से 9 बजे निकाल दिया। उसके बाद मैं अपनी माँ के पास जाके रहने लगी तो मामा का साला मेरे साथ बदतमीजी करता था, हाथ पकड़ता था, 500-500 रुपये दिखाते थे। मैंने अपनी माँ से बताया, माँ बोली तुझे छोड़ दूंगी लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। परसों थाने में मम्मी आई थी और मामा आए थे और नानी और जो चाचा से सिस्टर है वो आई थी, तो थाने वालों ने बोल दिया कि क्या नाम है, हमारे हाथ में हिस्सा करना नहीं है। फिर वहाँ से मम्मी और मामा निकल गए। फिर मैं नानी के घर पे गई गांव में इस्माइलपुर, तो वहाँ पे मामा ने मेरा, जैसे मैं गेट अंदर घुस रही थी कि मेरी मम्मी कहाँ है मिलवा दो, तो मेरा धक्का मारा, मेरा दीवार में जाके सिर लग गया। फिर मेरे को धक्का मारा था, मैं पीछे धक्का मारा, मेरा दीवार में सिर लग गया। फिर मैं 1-2 घंटे बैठ के पैदल ही पैदल गांव से आ गई थी। फिर मैंने यही एप्लीकेशन दी है, यही शिकायत करी है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, ना मेरे को मां रखने के लिए तैयार है और ना बोल, मैं हिस्सा तो लेना चाहती नहीं लेकिन मां मुझे अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। कहती है कि तू मुझे मार देगी, तू मुझे जहर की गोली देती है, इस तरीके से बोलते हैं। और मामा के पास रहती थी तो मामा मुझे नींद की गोलियाँ खिलाया करते थे। मेरे साथ मामा, उन्हें भी बदतमीजी करी थी। मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मामा मेरे पेट पर भी बैठ गए थे और नानी ने भी नहीं रोका। जब मामा मार रहे थे, नानी कह रही थी और पीट। वो इसलिए पीटना चाह रहे हैं क्योंकि अगर वो मम्मी का साथ नहीं देंगे तो मम्मी उन्हें पैसे नहीं देगी। एसपी साहब ने बोला है कि आप सारे पक्ष बुलाए जाएंगे, मामा का साला बुलाया जाएगा और मामा बुलाए जाएंगे। मामा रहने वाले इस्माइलपुर के हैं, मामा का साला सनोटे से रिंकू यादव और मामा का नाम है सोनू यादव इस्माइलपुर। पुलिस से मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, या तो मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, मेरी माँ मुझे अपने पास रखना नहीं चाहती है। पापा जब शहीद हुए थे तो 26 लाख रुपया मिला था, पेट्रोल पंप मिला था, 15 बीघे जमीन मिली थी, दिल्ली में फ्लैट मिला था। मामा ने और मामा के साले ने मिलकर वो 1,90,00,000 का बेच दिया और मम्मी को बताया कि 1,28,00,000 का है, मम्मी का पागल बना दिया, वहाँ से आधा पैसा खा लिया। बड़े वाले मामा ने भी पैसा खाया है, वो उन्होंने हमारे पैसे में से 200 का जमीन खरीद के वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। अब ये सब कुछ हो रहा है, उनसे सब कहते हैं कि भाई तेरी भांजी के साथ गलत होता है, तो कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। सर वो बोलते हैं कि अपनी माँ को, मैंने रिकॉर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे पेंशन के लिए, उन्होंने बोला कि अपनी माँ को बुलाएं। अब माँ के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, माँ आने को ही तैयार नहीं है, पता ही नहीं है 9 महीने से कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मामा के कांटेक्ट में मम्मी है, मामा के साले के साथ रहती है, नानी और मामा मम्मी का ही साथ देते हैं, एक बार भी ये नहीं कहते कि हाँ ये गलत है। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं उल्टे सीधे,